मशहूर सपा नेता नवाब सिंह यादव को नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के मामले में कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आज नवाब सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। नवाब सिंह की मांग थी कि उन्हें कोर्ट से कुछ राहत मिले, लेकिन कोर्ट में हुई सुनवाई से नवाब सिंह की मुश्किलें घटती नहीं बल्कि बढ़ती नजर आ रही हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कन्नौज जिले के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान नवाब सिंह पर रेप का मुकदमा चलाने की बात पर मोहर लग गई है। आज अदालत में हुई बहस के बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए धाराएं ना बढ़ाए जाने की मांग की थी, लेकिन पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने रेप का मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दे दी है। अब इस मामले में 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले बच्ची से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ पुलिस ने पहले छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद में जब पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है, तो पुलिस ने एफआईआर में रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगा दी थी। आपको बता दें कि आरोपी के जेल में होने के कारण बढ़ाई गई धाराओं पर कोर्ट की अनुमति लेना जरूरी होता है। इसी वजह से शनिवार को विवेचक जयप्रकाश शर्मा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा चलाने का निवेदन किया था। इसको लेकर बचाव पक्ष के वकील शिव कुमार ने करीब 1.5 घंटे तक बहस भी की। बचाव पक्ष की दलील थी कि पुलिस पीड़िता को बरगला रही है, वहीं दूसरे पक्ष ने कोर्ट को बताया कि पुलिस के पास सबूत हैं जिसके आधार पर रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज ने धारा परिवर्तन के लिए अनुमति दे दी। अभिवादन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि अब आरोपी नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म का मुकदमा चलेगा। वहीं कोर्ट के इस आदेश पर भी नवाब सिंह के वकील ने कई सवाल उठाए हैं कि आज जो उसके बयान में एक बात आई है कि पीड़िता ने जो अपना 164 का बयान दिया था उसमें ये कहा है एक लाइन में, आज चूंकि उसका अवलोकन होके न्यायालय के बाद सुनने को मिला है कि पीड़िता की बुआ ने ये कहा कि अभी कपड़े मत पहनो, जब पुलिस आ जाए तब कपड़े पहनना। तो इससे ये साबित होता है कि पीड़िता की बुआ को किसी षड्यंत्र के तहत वहाँ भेजा गया था और उसी षड्यंत्र के तहत हमारे मुवक्किल को जो है फंसाया गया है। सर कई घंटे बहस चली आज? ये लगभग 1.5 घंटे चली। क्या आदेश निकला है? अब बहस हो गई है, जो भी आदेश मान न्यायालय करेगा। हमने तो यही कहा कि रेप की धारा नहीं बनती है, रेप का आरोप नहीं बनता है। जमानत के लिए क्या अगली कोई तारीख? जमानत की अभी डेट जो है शायद 21-8 फिक्स है। कितने अधिवक्ता बहस हुआ? अधिवक्ता तो बहुत ही थे हमारे अधिवक्ता साथी, चूंकि सब थे लगभग। पुलिस को भी आप लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर? हाँ, पुलिस की कार्यशैली पर हमने पूरा जो है वो आपत्ति दर्ज कराई, उस पर सवाल खड़े किए, तो पुलिस ने आप लोगों को ऊपर डाल दिया। क्या कहा पुलिस ने? ये कह दिया कि जो भी वीडियो या जो भी चित्र प्रसारित हुए हैं वो मीडिया का काम है। तो इस पर मान न्यायालय ने उनसे ये पूछा कि अगर मीडिया ने किया है तो आपने क्या किया, आपने मीडिया के खिलाफ कोई तहरीर दी या कोई मुकदमा लिखा? ये नहीं सामने आई बात कि वीडियो किसने बनाया। हाँ, यही बात जब मैंने उठाई कि वीडियो कैसे वायरल हो गए, किसने वीडियो बनाए और वो वायरल कैसे हो गए, तो पुलिस ने अपने बचाव में ये कहा कि ये मीडिया की करतूत थी। तो इसलिए मीडिया ने, तो न्यायालय ने स्वयं उनसे पूछा कि जब मीडिया की करतूत थी मीडिया ने कैसे निकाले, मीडिया को दिए किसने, मीडिया के पास कैसे पहुँचे। आखिर ये वीडियो तो बनाया गया, बनाया किसके द्वारा गया है? यही मेरा भी सवाल है, हम आपसे भी यही पूछ रहे हैं, न्यायालय से पूछ रहे हैं, प्रोसिक्यूशन से पूछ रहे हैं कि ये वीडियो किसके द्वारा बनाया गया और ये प्रसारित और प्रचारित कैसे हो गया। ये अभी रेप की धाराएं नहीं बढ़ी? अभी नहीं बढ़ी, अभी कोई वो जो भी हो वो उनका है, वो जिले पुलिस अपना काम कर रही है, कार्रवाई चल रही है। वो ये कलमबंद बयान जो अवलोकन हुआ, क्या उसमें दुष्कर्म की बात आ रही है? नहीं, उसमें नहीं आ रहा, उसमें केवल इतना आ रहा है कि चूंकि उस बयान के बारे में आपको नहीं बताया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं आई है। बयान उसका हम आपको पढ़ के या कहीं के सुना नहीं सकते हैं। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो किस और बढ़ेगी? अब आगे की कार्रवाई तो हम तो यही मान के चलते हैं कि हमारे मुवक्किल के ऊपर दुष्कर्म का आरोप की धारा नहीं लगनी चाहिए। पीड़िता और पुलिस के बयान अलग अलग हैं क्या? हाँ बिल्कुल, पुलिस की तो पूरी कार्रवाई अलग है,
उसमें तो कोई कुछ है ही नहीं। पुलिस तो अब अपना पुलिस तो कहना चाहिए क्या उसको कहेंगे कि अपनी कार्रवाई को पूरी रणनीतिकार। हाँ भाई, जब पीड़िता ने जो बताना तो नहीं चाहिए लेकिन उसका एक लाइन का बयान है कि बुआ ने कहा कि अभी कपड़े मत पहनो, जो पुलिस आ जाए तब पहनना, तो ये किस ओर इशारा करता है कि बुआ को षड्यंत्रकारी बनाकर इस षड्यंत्र में सम्मिलित करके वहाँ भेजा गया है। केस में सवाल कई हैं लेकिन पुलिस के जांच और कोर्ट में अगली सुनवाई के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।